अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको शहद का छत्ता उतारते हुए दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये छोटा शहद का छत्ता है। ये इतना खूबसूरती से उतारते हुए, ये छोटा छत्ता उतारने का तरीका जो कि आसान तरीका है, इजी सबसे। ये देखें, बिना किसी खौफ के, बिना किसी मतलब कि हिफाजती इकदाम के मैं ये शहद का छत्ता उतार रहा हूँ आपके सामने। आप ये देख सकते हैं बाखूबी। इसमें जब शहद की मक्खी आपको काटती है, उसकी वजह ये होती है कि आप बिल्कुल घबराए हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं। वो आपको फॉलो करती है, आपको देखती है कि आप घबराए हुए हैं, इस सूरत में वो काट लेती है। जब आपसे कोई मिस्टेक होती है, गलती होती है, उस सूरत में वो आपको शहद की मक्खी काट लेती है। इस सूरत में आपको ये करना चाहिए, आपके यहाँ जहाँ भी छत्ता लगा हुआ है, छत्ते तक पहुँचने से पहले उससे तकरीबन 4 से 5 फीट दूर, चाहे सिगरेट का धुआं हो, चाहे किसी और चीज़ का धुआं, हल्का सा धुआं उस तक पहुँचा दें और खाली इसके ऊपर हवा डाल दें, या मतलब जैसे फूका होता है इस सूरत में, जैसे कि अभी मैंने इसे दिया था, पहले खाली फूका दिया था, उसी सूरत में तो ये मक्खियाँ सैड पे हो जाती हैं। तो जब आप इसकी टहनी पे कुल्हाड़ी मारेंगे स्पीड से, तो ये मक्खियाँ आपको काटेंगी। एक तो ये हुई वजह काटने की, तो दूसरी वजह ये है होती है, अमूमन जो शहद वाले होते हैं उतारते हुए, उनके ऊपर मक्खी हाथ पे या फेस पे बैठती है, उस सूरत में वो उसे मार देते हैं, तो उस सूरत में सारी मक्खियाँ अटैक कर देती हैं। तो इससे बेहतरीन तरीका शहद की मक्खी को उतारने का यही है। मैं तो अमूमन धुआं वगैरह नहीं देता, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले शायद मैं ऐसा करता था, लेकिन अब ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना एक्सपीरियंस तजर्बा हो चुका है। तो इस सूरत में आपको थोड़ा सा धुआं बनाना पड़ेगा, धुआं बनाने के बाद थोड़ा सा धुआं देने के बाद, जब ये मक्खियाँ ये देखें नीचे फेस करके जुड़ी हुई हैं उस छत्ते के साथ, तो ऊपर वाला शहद वाला एरिया छोड़ दिया है उन्होंने, इस सूरत में आप बिल्कुल हैवी हैं शहद की मक्खियों पर, वो आपको नहीं काटेंगी किसी सूरत में भी। तो इस सूरत में आपको चाहिए कि आप बिल्कुल ईजिली बिना घबराहट के, ये देखें, ये मैंने अभी निकाल लिया, ये देखें कितना खूबसूरत छोटा शहद। और ये देखें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, तो अभी ये निकाल लिया गया है। अभी ये हमारा इलाका इतना खूबसूरत, पाकिस्तान, पंजाब एंड लोधरा सिटी। तो ये देखें इतना प्यारा, बहुत ही अच्छा। तो इससे घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आप घबराया ना करें, बिल्कुल शहद को छत्ते को इजी तरीके से उतारा करें बिना घबराहट के, तो इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं कहेगा। पर अगर जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल पे, तो उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस पेश करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।